हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सोनिल कुमार चकमा जी के इस कमेंट को। श्रीमान चकमा जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी HDFC लाइफ के सुपर इनकम प्लान को समझना चाहते हो उदाहरण के साथ, तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपका समय बचाने के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे हर एक वीडियो आती है आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार प्रतिदिन, तो ये आपके काम आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं जानकारी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यंग स्टार उड़ान प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अर्थात इस चीज को साधारण शब्दों में समझें तो हम जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी को इस प्लान के लिए, कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में यानी कि इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो हमारे प्रीमियम पे हमें बाजार संबंधित जोखिम नहीं रहेगा। प्लान पार्टिसिपेटिंग है, इसी वजह से जब भी कंपनी को बेनिफिट होता है तो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, और एक बार अगर बोनस अनाउंस किया तो आपको गारंटेड रूप से वो पे किया जाएगा। और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट निश्चित तौर पे ही पे किए जाएंगे, जिस भी तरीके से हमने प्लान लेते वक्त चुने होंगे। अब किस तरीके से सारे बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें जानना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को। इस प्लान में हमें तीन अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि इस प्लान के तीन वेरिएंट हैं। पहला है एस्पिरेशन वेरिएंट, जिसे हम एंडोमेंट ऑप्शन कह रहे हैं। दूसरा है अकेडमी, तीसरा है करियर। तीनों के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इस वजह से हम आज की वीडियो में सिर्फ एस्पिरेशन ऑप्शन यानी कि एंडोमेंट ऑप्शन की डिटेल को समझेंगे। अगर आप एस्पिरेशन ऑप्शन लेते हैं तो आपके लिए जो आयु सीमा होगी वो 30 दिन से लेकर के 60 साल की होगी, यानी कि एंट्री एज लिमिट 30 दिन से लेकर 60 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट होगा वो 18 साल से लेकर के 75 साल का होगा। पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है वो 15 साल है कम से कम, अधिकतम 25 साल तक का आपको मिल सकता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है 7 साल, दूसरा 10 साल, तीसरा है पॉलिसी टर्म में से हम 5 साल घटा लें, राइट। बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की, तो सालाना कम से कम 24,000 रुपए का हमें प्रीमियम पे करना होगा, छमाही 12,000 रुपए का, तिमाही 6,000 रुपए का। अगर हम मासिक पे करेंगे तो कम से कम हमें 2,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। और जब हम मासिक प्रीमियम पे करते हैं तो वो ऑटो डेबिट होता है हमारे अकाउंट से, ये चीज हम जानते हैं। और एक साथ हमें एक या दो प्रीमियम कम से कम तो पे करनी होती है मासिक में, आजकल तो तीन भी करनी होती है, चीज कॉमन हो गई है, राइट। और मिनिमम प्रीमियम का लिमिट सेम ही है चाहे प्लान का कोई भी ऑप्शन लें। अब बात आती है मिनिमम लाइफ कवर की। अगर प्लान लेते वक्त हमारी आयु 50 साल से कम है तो ऐसे में सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना हमारा हो जाएगा लाइफ कवर कम से कम, राइट। ये हम मान के चल सकते हैं। अगर उम्र 50 साल से ज्यादा की है, राइट, प्लान लेते वक्त, तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना हमारा हो जाएगा कम से कम लाइफ कवर, ये चीज हम मान के चल सकते हैं। बात करते हैं बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो है मैच्योरिटी बेनिफिट, क्योंकि एंडोमेंट ऑप्शन है या तो डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा? मैच्योरिटी पे हमें सम अज्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा, अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया होगा तो ही मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के बोनस भी कंपनी के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ओके? बात आती है डेथ बेनिफिट की, वो हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ गारंटीड एडिशन है क्या। गारंटीड एडिशन का मतलब है कि अगर हमारा पॉलिसी टर्म 19 साल तक का है तो हम जो सम अज्योर्ड ऑन मैच्योरिटी चुनेंगे प्लान लेते वक्त, उसका 3% पहले 5 साल हमें लगातार मिलता रहेगा, जो कि हमें मैच्योरिटी या डेथ केस में पे किया जाएगा। अगर हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का है या उससे ज्यादा है तो सम अज्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 5% पॉलिसी के पहले 5 साल लगातार हमें मिलेगा, ओके? अब ये कब मिलेगा? जब हमने प्लान में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो कम से कम 10 साल का लिया हो, तभी हमें ये मिलता है। यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का होगा तो ही मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। बात आती है सिंपल रिवर्सनरी बोनस की। तो ये भी एक सम अज्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का हिस्सा होता है, जैसे जैसे कंपनी अनाउंस करेगी उसी के अनुसार हमें मिलता है। डेथ बेनिफिट के दो ऑप्शन है, हमें प्लान लेते वक्त ही क्लियर करना होता है कि हमें कौन सा चाहिए। पहला है क्लासिक ऑप्शन। क्लासिक ऑप्शन अगर हम चुनते हैं तो सम अज्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का कंपैरिजन यहाँ पे किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। टोटल पेड प्रीमियम से मतलब है यहाँ पे बिल्कुल बेस प्रीमियम, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होता है उसके साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया होगा, अगर पेबल होगा तो पे कर दिया जाएगा, हमारे नॉमिनी को पॉलिसी बंद हो जाएगी, ओके? अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट ऑप्शन नंबर 2 की, जो की है क्लासिक वेवर, राइट। अगर आप ये ऑप्शन लेंगे तो आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल की हो,
और अधिकतम 55 साल की, ठीक है, तभी आप ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी एज का जो लिमिटेड ऑप्शन के लिए वो 33 साल से लेकर के 75 साल तक का है। अब बात आती है कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम चीज है वैसे तो, कि जो हमारा टोटल पेड प्रीमियम होगा, बेस प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105% निकाल के सम अशर्ड ऑन डेथ से हम कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों में से ज्यादा होगा वो हमारे नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, और आगे जितनी भी प्रीमियम पे करनी होगी वो सारी माफ हो जाएंगी, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो आगे चल के नॉमिनी को पे कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब बेनिफिट को समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं, जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी टर्म ले लिया 15 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का। वो ऐसे में यहाँ पे सालाना प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं। अगर वो 80,885 रुपए सालाना बेस प्रीमियम विदाउट एनी टैक्स पे करते हैं तो उन्हें सम अशर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा 6,17,951 रुपए का। ये हमने इनका ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज किया प्रीमियम जानने के लिए, ओके। और ऐसे में वो यहाँ पे डेथ बेनिफिट ऑप्शन ले रहे हैं क्लासिक। देखिए इस प्लान में जो रिवर्सनरी बोनस का रेट रहा है पिछले गत वर्षों में वो 3.5% से लेकर के 4.5% रहा है, तो हम अपने एग्जाम्पल में 3.5% मान के चल रहे हैं। तो पॉलिसी के पहले 5 साल क्या मिलेगा श्रीमान को, गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब क्योंकि पॉलिसी 19 साल तक से है, राइट, 20 साल का नहीं, 19 साल से कम है, 15 साल का हमारा उदाहरण में, तो जो हमारा सम अशर्ड ऑन मैच्योरिटी है 6,17,951 रुपए, उसका 3% निकाल के हम 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले 5 साल ये मिल रहा है, तो 92,692.65 रुपए ये अमाउंट हो जाएगा, मतलब कि 92,692.65 रुपए। अब सिंपल रिवर्सनरी बोनस 3.5% का है, 3.5% का, तो 3.5% हमने निकाला सम अशर्ड ऑन मैच्योरिटी का, 15 का गुणा कर दिया क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 3,24,424.27 यानी कि 27 पैसे, राइट। ये हो गया हमारा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। मैच्योरिटी बेनिफिट हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम अशर्ड ऑन मैच्योरिटी में जोड़ देंगे अक्योर्ड गारंटीड एडिशन और अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो कि हमें पता ही है। तो 6,17,951 रुपए में हम 92,692.65 रुपए में जोड़ देंगे 3,24,424.27 रुपए, और इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस हमने यहाँ पे नहीं निकाला है, क्योंकि एग्जैक्टली इसके बारे में आपको कंपनी ही बता सकती है कि ये कितने हो सकते हैं। तो श्रीमान ए को मैच्योरिटी पे 10,35,67.92 रुपए मिल जाएंगे, और इसके साथ में इंटरिम बोनस टर्मिनल बोनस मिलेगा। अब मिलेगा इसलिए बोल दिया, कंपनी ने लिखा है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, हम ये मान के चल रहे हैं कि होगा, देना होगा उन्हें, तभी उन्होंने लिखा है, राइट, और कंपनियां देती भी हैं इसलिए वो लिखती हैं, राइट, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे होगा। आई होप ये चीज आप समझ रहे हैं। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की। मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो 6 साल में 4,85,310 रुपए का उन्होंने टोटल प्रीमियम यहाँ पे कर लिया। अब 4,85,310 का हम 105% निकालेंगे तो 5,09,575.50 रुपए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जानना है सम अशर्ड ऑन डेथ। सम अशर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि सम अशर्ड ऑन मैच्योरिटी का कंपैरिजन किया जाए सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना निकाल के। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम लाइफ कवर इतना तो हो गई, तो 80,885 रुपए का हमारा बेस प्रीमियम है, 10 का गुणा कर देंगे तो 8,08,850 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो सम अशर्ड ऑन डेथ हमारा 8,08,850 आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये अमाउंट 6,17,951 से ज्यादा है। अब हम यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम का 105% के साथ में सम अशर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन करेंगे तो 8,08,850 ही अमाउंट ज्यादा होगा। अब इसके साथ हमें क्या मिलेगा, आई मीन टू से श्रीमान ए के नॉमिनी को, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, क्योंकि 6 साल कंप्लीट होने के बाद मृत्यु हुई है, तो 92,692.62 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा, और अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस निकाल लिया जाएगा 6 साल का, तो वो 1,29,769.71 रुपए का हो जाएगा। अब हम 8,08,850 में 92,692.65 रुपए और उसमें हम जोड़ देंगे अब 1,29,769.71 रुपए को, तो ये 10,31,312.36 रुपए प्लस इंटरिम बोनस प्लस टर्मिनल बोनस यदि होगा तो कंपनी इनके नॉमिनी को यहाँ पे कर देगी। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। अब इसमें क्लासिक वेवर भी ऑप्शन है, तो हम सेम कंडीशन मान के चल रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि श्रीमान ए ने डेथ बेनिफिट ऑप्शन यहाँ पे क्लासिक वेवर लिया होता और पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे इनकी डेथ हो गई होती, तो ऐसे में भी टोटल बेस पेड प्रीमियम होता 4,85,310, उसका 105% सेम अमाउंट होता 5,09,575.50 रुपए, सम अशर्ड ऑन डेथ जैसे हमने निकाला वैसे ही निकालते अभी, तो 8,08,850 रुपए ही होता, तो यही अमाउंट ज्यादा होता, तो ये यहाँ पे इनके नॉमिनी को यहाँ पे कर दिया जाता, राइट। इसके बाद में क्या होगा, अगले जो 4 साल बच गए हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के, उतना प्रीमियम माफ हो जाएगा, टोटल जो प्रीमियम माफ हो जाएगा वो 3,23,540 रुपए का माफ हो जाएगा, कंपनी खुद बेयर कर लेगी, और मैच्योरिटी जैसे बेनिफिट श्रीमान ए को मिलने थे मैच्योरिटी पे ठीक उसी तरीके से नॉमिनी को यहाँ पे कर दिए जाएंगे,
ठीक है जी। आई होप अब आप ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ चुके हैं कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है डेथ बेनिफिट के दोनों ऑप्शन में। अब बचे हैं यहाँ पे सरेंडर वैल्यू और रिड्यूस पेड अप वैल्यू। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, अलग से हम एक वीडियो लेकर के आएंगे अलग उदाहरण के साथ में, ठीक है जी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके ही कमेंट के अनुसार वीडियो बने तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, कृपया करके दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते हैं। इसी वजह से हम टेलीग्राम चैनल पे हर एक प्लान की जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उसका पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं आपके लिए। धन्यवाद।